गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लेबर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। ये साइंटिफिक कंटेंट है, शायद आपको मदद करेगा। जहां तक लीवर का सवाल है, आप जानते हैं कि डाइजेस्टिव जितने भी प्रोसेस है वो बिना लीवर के कंप्लीट नहीं हो सकती। लीवर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन एज फार एज डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंसर्न। मैं समझता हूं शायद बॉडी का ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। बहुत सारी चीजें खाने में ऐसी हैं जो लीवर को क्लीन करने की, डिटॉक्सिफाई करने की एंड ऑप्टिमाइज करने की ताकत रखती हैं। आज हम जो लीवर के जो फूड्स हैं जो इसे क्लींस करने की ताकत रखते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। एक बार लीवर को समझने की कोशिश करते हैं कि जो लीवर है वास्तव में पावर हाउस है ऑफ द ऑर्गन्स। जितने भी ऑर्गन है उनमें से इसे पावर हाउस माना जाता है। ये बहुत सारे काम करता है। ये हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन बनाता है, जैसे एल्ब्यूमिन बनाएगा, प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा, बहुत सारे प्रोटीन बना के चलता है। ये हमारे बॉडी में जो ना कोलेस्ट्रॉल बना के देता है हमारे लिए, विच इज इंपॉर्टेंट। ये हमारी बॉडी में बाइल बनाता है, जिसका काम है कि लीवर से पित्त की नली होते हुए इंटेस्टाइन में आए और जो भी हम फैट खाते हैं उसको जो है डाइजेस्ट करे, सो दैट उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो पाए। ऐसे ही जो लिवर है वास्तव में आपके वाइटमिन्स हैं उनको स्टोर करता है, बहुत से मिनरल्स हैं उनको स्टोर करता है, और जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं जो एक्सेस में है उनको स्टोर करता है एज ग्लाइकोजन, ताकि इमरजेंसी जब हमें जरूरत पड़े तो इस ग्लाइकोजन से हमें रेडिली ग्लूकोज दिया जा सके। ऐसे ही बहुत सारे जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने की जिम्मेदारी भी लीवर के ऊपर है। जैसे अल्कोहल आप इस्तेमाल करते हैं उसको मेटाबोलाइज लीवर ही करता है। आप मेडिकेशंस जो भी यूज करते हैं उनको मेटाबोलाइज लीवर ही करता है। ऐसे ही जो बाय प्रोडक्ट्स है मेटाबॉलिज्म को के उनको बाहर निकालना है तो वो भी जिम्मेदारी लीवर के ऊपर ही है। तो इसका मतलब यह है कि इसके बहुत सारे जो ना काम है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी। तो ये बड़ी हमारी ड्यूटी बन जाती है कि हम लीवर की जो हेल्थ है उसको ऑप्टिमाइज करके चलें, उसको गुड न्यूट्रिशन एंड गुड जो ना एटमॉस्फेयर दें, सो दैट इसकी जो हेल्थ है वो ऑप्टिमाइज रहे। अभी हम बात कर रहे हैं इन चीजों के बारे में कि वो क्या खाने की चीजें ऐसी हैं जो लीवर को क्लींस करने की ताकत रखती हैं। सबसे पहले वीडियो में हमने बात की कॉफी एंड टी के बारे में। नंबर दो में हमने बात की ग्रेप फ्रूट एंड ब्लूबेरीज के बारे में। नंबर तीन में हमने बात की ग्रेप्स एंड बीटरूट जूस के बारे में। आज हम बात करेंगे क्रूसिफेरस वेजिटेबल एंड नट्स के बारे में, बिकॉज दीज आर टू एरियाज जो हमारे लीवर को हेल्प करने की ताकत रखते हैं। सबसे पहले देखिए क्रूसिफेरस वेजिटेबल। जब हम क्रूसिफेरस वेजिटेबल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ब्रोकली की, हम बात करते हैं ब्रुसेल स्प्राउट की, हम बात करते हैं मस्टर्ड ग्रीन की, हम बात करते हैं कॉलीफ्लावर या गोभी की, या हम बात करते हैं पत्ता गोभी की। ये जो जब ये जो सब चीजें हैं वास्तव में क्रूसिफेरस वेजिटेबल की कैटेगरी में आती हैं। इनमें अच्छे अमाउंट में फाइबर होता है जो इनको एक डिस्टिंक्टिव टेस्ट देता है जो हमें काफी पसंद में आता है। साइंस ऐसा मानती है कि इन प्लांट जो है इन चीजों में ये बहुत सारे जो है ना बेनिफिशियल प्लांट कंपाउंड होते हैं जो हमारी बॉडी है उसको हेल्प करने की ताकत रखते हैं। अगर हम साइंटिफिक स्टडीज को देखें तो जो ब्रोकली एक्सट्रैक्ट है अगर इसे आप यूटिलाइज करते हैं तो वास्तव में आप लीवर के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम है इनको ऊपर करने की ताकत रखता है। अगर डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम ऊपर की तरफ जाएंगे तो लीवर को प्रोटेक्शन मिलेगा। जो लीवर में डैमेज होने की प्रोसेस है वो नीचे की तरफ आएगी, इन्फ्लेमेशन नीचे की तरफ आएगा और लीवर सेल्स वास्तव में प्रोटेक्ट होंगी। अगर हम ह्यूमन स्टडीज को देखें तो ऐसा माना गया कि जो इस तरह के जो मटेरियल्स हैं जैसे कि क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स हैं, चाहे आप कच्चा यूज करें चाहे आप कुक्ड फॉर्म में यूज करें, तो कुक्ड फॉर्म में भी यूज करते हैं तो भी इसके जो बेनिफिशियल इफेक्ट हैं आपको उतने ही मिलते हैं। तो आप सब्जी बनाकर भी अगर यूटिलाइज करते हैं क्रूसिफेरस वेजिटेबल, या गोभी की सब्जी लेते हैं, पत्ता गोभी लेते हैं, ब्रोकली यूज करते हैं, तो आपको वही एडवांटेज मिलते हैं। अगर हम एक स्टडी को देखें विच वॉज कंडक्टेड इन 2016 इन द माइस, मतलब चूहों पर की गई थी, इस स्टडी ने बोला कि यह बात बिल्कुल सही है कि वो चूहे या वो रेट्स जिनको की ब्रोकली एक्सट्रैक्ट दिया गया था, यह बात सही है कि जो एक ट्यूमर या लिवर कैंसर डेवलप होने की जो पॉसिबिलिटी थी या फैटी लिवर होने की पॉसिबिलिटी थी वो इनमें नीचे की तरफ आई इन कंपैरिजन
टू दोज रेट्स जिनमें कि ब्रोकोली एक्सट्रैक्ट नहीं दिया गया। इसका मतलब यह है कि जो ब्रोकोली एक्सट्रैक्ट है, जो ये जो रेट्स हैं, इनको जो है एंटी ट्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये वास्तव में फैटी लिवर के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इनकी जो लिवर की हेल्थ है उसको ऑप्टिमाइज करने की ताकत रखता है। नाउ जो ह्यूमन स्टडीज है, ये बात सही है कि दे आर लिमिटेड, बट एज फार एज द क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स आर कंसर्न, दे लुक प्रॉमिसिंग। ऐसा लगता है कि इनके बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो लिवर की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं और इसे हमें अपनी जो डाइट है उसमें शामिल करना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें तो वास्तव में जो क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स हैं, ये जो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स हैं लिवर में, इनको बहा देते हैं। इससे लिवर में इन्फ्लेमेशन, लिवर में डैमेज, इसकी जो प्रक्रिया है वो नीचे आ जाती है। ये जो है हमारा जो लिवर है उसको जो डैमेज का ओवरऑल जो एक प्रोसेस है उसको नीचे की तरफ लाती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो मार्कर्स हैं या जो ब्लड लेवल हैं, जो एंजाइम्स के हैं जैसे SGPT, SGOT, ये सब स्टेबलाइज होने लगते हैं एंड ये नॉर्मलाइज हो जाते हैं। Now, next हम बात करेंगे नट्स के बारे में। आप जानते हैं कि नट्स आर सपोज टू बी द मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइट। जब नट्स का सवाल है, ये फैट इनमें ज्यादा होता है, इनमें न्यूट्रिएंट्स काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, इनमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, पर्टिकुलरली विटामिन ई। तो फैट ज्यादा होते हैं लेकिन वो फैट होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए बेनिफिशियल हैं। इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे भरे हुए होते हैं, जो ट्रेस एलिमेंट्स एंड ट्रेस मिनरल्स हैं ये दे प्लेंटी में होते हैं। जहां तक बेनिफिशियल इफेक्ट का सवाल है, इनमें बहुत सारे प्लांट कंपाउंड होते हैं जो वास्तव में हमारी हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने की ताकत रखते हैं। नाउ जितने भी सेवरल हेल्थ बेनिफिट्स हैं स्पेशली हार्ट में, उनकी तो स्टडीज बहुत सारी है कि अगर आप नट्स यूटिलाइज करते हैं तो हार्ट की जहां तक हेल्थ का सवाल है उसमें बहुत पोटेंशियली आपको बेनिफिट मिलता है। बट लिवर की जहां तक हेल्थ का सवाल है तो अभी तक बहुत सारी स्टडीज नहीं है, बट जो एनेक्डोटल रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से जो नट्स हैं वो लिवर की जो हेल्थ है उसमें काफी आपको हेल्प करने की ताकत रखते हैं। नाउ एक स्टडी थी विच वॉज पब्लिश इन 2019, इसको आप ध्यान से देखिए कि अगर जो नट्स हैं वो ठीक मात्रा में इस्तेमाल की गई इन ऑल दोस पीपल जिनको रिस्क था कि कहीं उनको फैटी लिवर या NAFLD या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर ना हो जाए, तो ऐसा देखा गया कि अगर डाइट उसमें नट्स की मात्रा ज्यादा थी तो पॉसिबिलिटी ऑफ द NAFLD कम हुई। ये एक कंपैरिजन भी था कि ऑल दोस पीपल जिनने की जो है ना नट्स को कम यूटिलाइज किए उन्हें NAFLD होने के जो रिस्क है वो बढ़ गया। इन ऑल दोस पीपल जिन्हें नट्स ज्यादा यूटिलाइज किए उनकी बॉडी में NAFLD होने का जो रिस्क है वो नीचे की तरफ आ गया। इसका मतलब यह है कि अगर आप नट्स ठीक मात्रा में यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी में, अपने डाइट में, तो जो एक फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है उसके होने की जो पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है वो नीचे की तरफ आती है। जहां तक नट्स के इंटेक का सवाल है, ये बात सही है कि ऑल दोस पीपल जिन्हें ऑलरेडी NAFLD है अगर उन्हें नट्स का जो है बैलेंस्ड एंड रेगुलर यूज किया तो रेगुलेटेड जो यूज है उसमें ऐसा देखा गया दैट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनके जो एंजाइम्स हैं जैसे SGPT है, SGOT है, GGTP है, ये भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मलाइज होने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि नट्स जो है ना आपके एंजाइम्स को नॉर्मलाइज करने की ताकत रखती हैं। ऐसे ही कि अगर आप कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि रिस्क आप NAFLD वो बढ़ता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों चीजें हैं, नंबर वन इज द क्रूसिफेरस वेजिटेबल, द सेकंड वन आर द नट्स। इन दोनों ने दोनों के यूटिलाइजेशन, ह्यूमन स्टडीज एंड स्टडीज ऑन द रेट्स, अगर हम दोनों को देखें तो दोनों की दोनों चीजें लिवर की जो हेल्थ है उसको हेल्प करने की ताकत रखती हैं। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो इन डाइट ट्री जो प्रोडक्ट हैं वो जो हेल्प करते हैं लीवर की हेल्थ को उसको समझने में आपको हेल्प करते हैं तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर VK मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।